मुझसे अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि कंप्यूटर बायोस क्या है, कैसे काम करता है और कंप्यूटर में इसकी जरूरत क्यों होती है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बायोस के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और कंप्यूटर में इसका काम कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में लगे हुए तमाम पार्ट्स को चेक किया जाता है कि क्या वो पार्ट्स सही तरीके से लगे हुए हैं। फिर उन डिवाइसेस में सारी फाइल्स लोड होती हैं, मसलन रैम में, और फिर जाकर आपके कंप्यूटर में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। अब यहां पर कंप्यूटर में लगे हुए माइक्रो प्रोसेसर का यह जानना जरूरी होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर और बाहर कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं। लेकिन अगर प्रोसेसर इन सब डिवाइसेस को चेक करेगा तो कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से एक सिस्टम बनाया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे फर्मवेयर या बायोस कहा जाता है। अब इसका काम है कि ये आपके कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है। इसीलिए जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सारी फाइल्स लोड होती हैं, फिर बायोस ये चेक करता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, और ये चेक कर लेने के बाद सारी इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा दी जाती है और फिर ही आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। मान लीजिए कि अगर आपके कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड या माउस अटैच नहीं है तो आपको स्क्रीन पर पोस्ट मैसेज में एरर मिलता है कि कीबोर्ड एरर या माउस एरर। अब दोस्तों, बेसिकली बायोस आपके कंप्यूटर में लगे माइक्रो प्रोसेसर और बाकी तमाम डिवाइसेस जैसे रैम, हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, इनके दरमियान मीडिएटर का काम करता है। ये बायोस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का ख्याल रखता है और फिर उन सब डिवाइसेस के साथ माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है और वो भी चेक करता है कि सारी डिवाइसेस अटैच हैं या नहीं है। अब जिन चीजों की कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनमें से एक भी चीज कनेक्ट ना हो तो कंप्यूटर ऑन नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपके कंप्यूटर में रैम ही नहीं लगी हुई तो क्या आपका कंप्यूटर ऑन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और ये चीज माइक्रो प्रोसेसर चेक नहीं करता कि फलां चीज सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है, बल्कि ये चेक करता है बायोस, और चेक हो जाने के बाद ही बाकी फाइल्स बूट लोडर में लोड होती हैं। तो ऐसे में जब आप कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले करंट पहुंचता है बायोस में और बायोस तमाम डिवाइसेस को चेक कर लेने के बाद ओके रिजल्ट अपने पास रखता है, और फिर करंट पहुंचता है प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन लेता है बायोस से कि क्या सारी डिवाइसेस ओके हैं। तो बायोस के ओके रिस्पॉन्स के बाद प्रोसेसर सारी फाइल्स लोड करवा देता है रैम में, बूट लोडर में, और फिर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और आप उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बायोस के बारे में जान गए होंगे कि ये असल में सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है, इसीलिए इसे बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।